अपने व्यापार के माध्यम से भारत पर अधिकार किया। भारत में अंग्रेजों का आगमन कैसे हुआ, चलिए जानते हैं। भारत में पुर्तगालियों और हॉलैंड वासियों, जिन्हें डच कहते हैं, को व्यापारिक लाभ मिलता देखकर अंग्रेज भी भारतीय व्यापार की ओर आकर्षित हुए, परंतु 16वीं शताब्दी के अंत तक अंग्रेजों को भारत व्यापार में इसलिए सफलता नहीं मिल सकी क्योंकि वे स्पेन और पुर्तगाली शक्ति को चुनौती नहीं दे सके। यद्यपि अंग्रेजों ने भारत से व्यापार हेतु अनेक वैकल्पिक मार्ग ढूंढने का प्रयास किया, किंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। किंतु बाद में अंग्रेजों ने अपनी सामुद्रिक शक्ति को मजबूत कर किया और 1588 में स्पेनिश आर्मिडा की पराजय के फलस्वरूप पूरब जाने के लिए अंग्रेजों के लिए समुद्री मार्ग खुल गया। भारत में अंग्रेजों के आगमन के समय इंग्लैंड में महारानी एलिजाबेथ शासन कर रही थी। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में अंग्रेजों ने भारत में व्यापार करने के लिए महारानी एलिजाबेथ से आज्ञा पत्र प्राप्त किया और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करके व्यापार प्रारंभ कर दिया। भारत में अंग्रेजी व्यापारियों को 15 वर्ष के लिए आज्ञा पत्र प्रदान किया गया। भारत में आने के पश्चात अंग्रेजों ने केवल व्यापार में ही अपनी स्थिति मजबूत की। इसके अलावा धीरे धीरे भारतीय राजनीति में भी अंग्रेज हस्तक्षेप करने लगे। सन 1608 ईस्वी में कप्तान हॉकिंस इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम से आज्ञा पत्र लेकर बादशाह जहांगीर के दरबार में आए और 1613 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजों की व्यापारिक कोठी की स्थापना की। सन 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के उद्देश्य से मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आए और यहां 3 वर्ष तक रहे। प्रारंभ में मुगल दरबार में पुर्तगालियों का अत्यधिक प्रभाव था, इस कारण उसे अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त नहीं हुई, किंतु अंत में वह शहजादा खुर्रम से व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने में सफल हो गया। अब अंग्रेजों को भड़ोच, अहमदाबाद तथा आगरा में अपनी कंपनियां स्थापित करने की अनुमति मिल गई थी। सन 1639 ईस्वी में अंग्रेजी कंपनी ने मद्रास में एक सुदृढ़ दुर्ग की स्थापना की तथा 1661 ईस्वी में मुंबई पर अपना अधिकार कर लिया। शीघ्र ही अंग्रेजों ने 1686 ईस्वी में बंगाल स्थित कलकत्ता में भी अपनी व्यापारिक कंपनी की स्थापना की और अपने व्यापार के विकास में जुट गए। भारत में अंग्रेजों का डचों तथा फ्रांसीसियों से व्यापारिक संघर्ष हुआ, जिसमें अंग्रेजों को सफलता प्राप्त हुई और अंग्रेज व्यापार में सर्वत्र प्रभावित होने लगे। तभी भारत में मुगल साम्राज्य का पतन आरंभ हो गया। मुगल सम्राट के पतन के पश्चात तो अंग्रेजों के प्रभाव में इतनी अधिक वृद्धि हुई कि वे व्यापार के साथ साथ भारतीय राजनीति में भी निपुण भूमिका निभाने लगे। हॉलैंड तथा पुर्तगाल की गणना इस समय यूरोप के दुर्लभ या दुर्बल राष्ट्रों में हो चुकी थी, अतः वे भारत में अंग्रेजों से व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में बहुत पीछे रह गए और अंत में उनका भारत से व्यापारिक प्रभाव समाप्त हो गया। अब भारत में केवल अंग्रेज और फ्रांसीसी ही एक दूसरे के व्यापारिक प्रतिद्वंद्वी रह गए। भारत में इन दोनों के मध्य 1663 ईस्वी
तक संघर्ष चला। सन 1656 से सन 1663 के मध्य हुए सप्तवर्षीय युद्ध में यूरोप में फ्रांसीसियों को अंग्रेजों के समक्ष झुकना पड़ा। फ्रांस का अब प्रभाव हो गया, कनाडा और अंग्रेजों का अधिकार हो गया, यानी कि कनाडा पर भी अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य हुए इस 7 वर्षीय युद्ध में फ्रांस को भारत में ही भी कमजोर कर दिया। परिणाम स्वरूप फ्रांसीसी भारत में भी अंग्रेजों से परास्त हुए और उनका भारत में प्रभाव प्राय समाप्त हो गया। अब अंग्रेज ही भारत में एकमात्र रह गए और अब उनके व्यापार को चुनौती देने की किसी में क्षमता नहीं रही। अतः धीरे धीरे भारतीय व्यापार पर पूरी तरह से अंग्रेजों का अधिकार हो गया था।